हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जी एड्स एंड जे क्लाउड। आज हम एक कार्डबोर्ड के डेकोरेशन में पीस बनाऊंगी, तो उसके लिए मुझे कार्डबोर्ड चाहिए होगा। तो सेकंड कार्डबोर्ड में मैंने लिया है, तो उसमें लीफ का डिज़ाइन मैंने पैटर्न ड्रा कर लिया है और इसको कटिंग कर देंगे। सीजर से कटिंग कर सकते हैं और जहाँ आप कटर से कट कर सकते हैं इसको। तो मैंने इसी को कटिंग कर लिया है और फेविकोल लगा कर अब इसको पेस्ट कर दूँगी। फेविकोल लगाकर अब मैंने लीफ को पेस्ट कर दिया है। ऐसे ही मैंने पेपर पाइप्स बनाई हुई थी पहले, तो मैंने अपने आर्ट पीस के अकॉर्डिंगली ये चुन रखी है और इसको कटिंग कर दूंगी जितने की मुझको चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंगली मैंने ये ऐसे ही कटिंग कर लेनी है। आप अगर चाहते हो इसमें डिज़ाइन पैटर्न चेंज कर सकते हो, कुछ भी डिज़ाइन कर सकते हो। मेरे माइंड में ये था तो मैंने आपके साथ ये शेयर किया है आइडिया। तो मैंने ऐसे ही कई सारी पाइप से कटिंग कर लिया। मैंने फेविकोल लगाकर अब इसको वन बाय वन पेस्ट कर दूंगी। आप चाहे तो इसको हॉट गन से भी पेस्ट कर सकते हो। तो वैसे फेविकोल से भी ये चिपक गए थे, तो इसको लगाने के बाद 15 से 20 मिनट इसको रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह से ये इसके ऊपर पेस्ट हो जाए। और जो हमारे आर्ट पीस के बाहर के डिज़ाइन निकल रहे हैं ना साइड के, जो मुझे नहीं इसकी ज़रूरत, तो मैंने इसको कटिंग कर दिया है। आप चाहे ऐसे ही रख सकते हो, तो उसके अकॉर्डिंगली मैंने इसको पूरा स्मूथ करने के लिए, बराबर करने के लिए, तो मैंने इसको हल्का हल्का कटिंग कर दिया है। अब मैं यहाँ पे हॉट गन का यूज़ कर रही हूँ। हॉट गन से मैंने जो लीफ है, लीफ का पैटर्न ड्रा किया था, तो उसके ऊपर जो लाइन थी लीफ की, तो मैं वो बना रही हूँ। वो इसमें सभी हॉट गन का मैं यूज़ कर रही हूँ, तो हॉट गन से मैंने इसको कर लिया और इसकी आउटलाइन भी मैं हॉट गन से ही करूँगी। और मैं अब यहाँ पे एक्रेलिक कलर यूज़ कर रही हूँ, ब्लैक कलर का। तो सेंटर वाले पार्ट में मैं इसको फिल कर दूँगी। ब्लैक एक्रेलिक कलर का यूज़ करूँगी, तो मैंने सारा इसको सेंटर पार्ट फिल कर दूँगी। अगर फर्स्ट कोड हमारा सूख जाता है, तो मैं इसके ऊपर सेकंड कोड अप्लाई कर दूँगी, अगर चाहे ज़रूरत पड़े तो। नहीं होगी तो आप ऐसे ही रख सकते हो। तो जो मेरी पाइप्स बना रखी थी, तो मैंने उसके ऊपर भी ब्लैक कलर का यूज़ किया है और सारा मैं इसको भी ब्लैक कलर का टच दे दूँगी। अब मैं यहाँ पे थिक वाला पेपर यूज़ कर रही हूँ, सिल्वर कलर का। मेरे पास पीडियाश्योर का जो रैपर होता है, तो मैं उसका यूज़ कर रही हूँ। तो उस पेपर को ही मैंने कटिंग करके, जो लीफ का हमारा पैटर्न था, उसको मैंने इसके ऊपर पेस्ट करना है। पेपर मैंने कटिंग कर लिया है और अब मैं इसको ग्लूगन की हेल्प से इसको पेस्ट कर दूंगी।
जो हमारे पेपर की शेप थी, तो मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब ग्लूगन की हेल्प से मैं जो इसकी लीफ की जो लाइंस थी, तो मैं इसको हाईलाइट कर दूंगी। तो मैं इसको अगर आपको आज का मेरा थोड़ा सा भी आइडिया अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो साथ ही साथ आप सब्सक्राइब कर देना। और अब मैं यहाँ पे मेटालिक गोल्डन कलर यूज़ कर रही हूँ फैब्रिक रॉयल का। जो हमारा आउटर एरिया है तो उसके ऊपर पूरे जो पेपर पाइप से मैंने बनाए थे तो उसके ऊपर मैं सारा गोल्डन कलर यूज़ कर दूँगी। इससे हमारी लुक और अच्छी लगेगी, और ब्लैक, गोल्डन, सिल्वर तीन तरह के कंट्रास्ट हमारे इस लुक को बहुत ही अट्रैक्टिव बना रहे हैं। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ये कलर यूज़ किया है और मेटल लुक की तरह लगे। और वो जो हमारा लीव था जिसमें मैंने ग्लू गन की हेल्प से उसकी जो पेटल्स की पेटल जो हमारे थी पत्ती थी तो बनाई थी, उसकी लाइंस बनाई थी, तो उसमें भी मैं पूरा गोल्डन कलर कर दूंगी। तो मैंने अभी अभी जस्ट एक एक कोड किया है, तो दो कोड अप्लाई कर सकते तो हमारा थोड़ा सा ऐसा लगेगा। तो हमारी ये लुक आपके सामने है, रेडी हो चुकी है। थोड़ा सा इसमें मैं डॉट्स लगा रही हूँ अभी, तो हमारे इस आर्ट को और थोड़ा सा एलिगेंस बनाने के लिए तो मैं इसमें गोल्डन कलर की ही डॉट्स यूज़ की है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरी वन, मिलते हैं नेक्स्ट आर्ट के साथ।